वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैसेज। आज जो अपडेट सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रही है वो ITA के रिजल्ट से लेकर के है। तीन छात्रों का 20-22 जो सेकंड ईयर के छात्र थे और 21 से जो फर्स्ट ईयर के छात्र थे, AITT के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। और इस बार जो रिजल्ट है कैंडिडेट के जो ट्रेनीज थे उनके पर्सनल मेल ID जो उन्होंने इंस्टीट्यूट में अपना मेल ID दिया था डाटा में, जो उनके पर्सनल मेल ID में रिजल्ट को भेजा गया है जो NCVT DG के थ्रू मेल गया है। एक कैंडिडेट का रिजल्ट उसके मेल ID में आया है जो 21 सेस का एक छात्र है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल ID DGT की तरफ से दिया गया है, आज ही के डेट में आया है। यस आपका। और फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 तारीख के बाद आपका पोर्टल में आप डाउनलोड कर सकेंगे। रिज़ल्ट से रिलेटेड जानकारी देता हूँ कि जैसा कि आपको पता था कि इस बार वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी का ही पार्ट गया था, इसलिए यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का मार्क्स नहीं सब्जेक्ट नहीं देखने के मिले, लेकिन मार्क्स जो है इसके साथ इंक्लूड हो गया है। थ्योरेटिकल पेपर के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मार्क्स इंक्लूड हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं 100 नंबर का मार्क्स है, तो जो थ्योरी जो हुआ था 38 MCQ आए थे, 76 नंबर का हुआ था थ्योरी, 76 नंबर का हुआ था, इंजीनियरिंग ड्राइंग 12 नंबर का हुआ था और वर्कशॉप कैलकुलेशन 12 नंबर का, तो टोटल मिलाकर के 100 नंबर हुए। अब इसमें ओवरऑल 100 नंबर में है, आपको जितना नंबर मिला, जैसे एक कैंडिडेट को 100 में 92 मिला है तो यहाँ पे शो किया है। ट्रेड प्रैक्टिकल इम्प्लॉयी स्किल और इम्प्लॉयी स्किल का मार्क्स 50 में जितना मिला वहाँ पे शो किया है। फॉर्मेटिव एसेसमेंट जिसे सेशन मार्क्स कहते हैं हम, तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बने हैं 600 के, पहले 700 थे, तो टोटल 600 में 558 मिला इन्हें। और यूनिट ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी ट्रेड थ्योरी में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। तो आशा करते वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक होगा, और जिन लोगों का रिजल्ट अभी छात्र नहीं मिल पाया तो आपने काइंडली अपने मेल ID को चेकआउट करें और अपने संस्था इंस्टीट्यूट ITA इंस्टीट्यूट से आप कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।